सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ससुराल आते ही मैं लग गई काम पे और एक अलग ही फुर्सत कह रही हूँ, अलग ही एनर्जी आ जाती है। पता नहीं क्यों ससुराल आते ही, मैंने सबसे आते पहले चाय रखी हुई थी तो सबको चाय वाय छान के दिया। पंडित जी आ गए थे तो उनको पानी दिया और मतलब फिर मैं नहा के नहीं आई थी तो मेरे को नहाना भी था और बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो बस जल्दी जल्दी में मैं लग गई अपना पूजा पाठ की तैयारी में ताकि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाए। और बस आगे आप लोग ब्लॉग देखो, इन्जॉय करो, आगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं है तो मैं सारी चीज़ें दे दूंगी। आज फ्राइडे है एंड सेम डे पूजा का ही सब कुछ है। पापा कहते हैं वो इधर जाके कैद हो जाती है, जगह थोड़ा मम्मी कम है तो वो हो जाती है। पर धनवी खुश, बाबा दादी का हाँ। और ये डॉल भूल गए थे ना ले चलना, ठीक है ठीक है, हाँ दोनों ले चलना। बाबा से मिल लो, बाबा से मिल लिए हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं जल्दी से आ गई हूँ और जल्दी से आके नहा लिया है, और बिकॉज मैं वहाँ से नहा के नहीं आई थी, लेट हो रहा था, तो अब मैं नीचे आई थी आटा लेने के लिए चूरन बनाने के लिए प्रसाद का। तो बस जा रही हूँ, ब्लॉग आप लोग देखते रहो, अगर बात करने का टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी, नहीं मिलेगा तो बस ब्लॉग आप लोग इन्जॉय करते रहो। और मैं बता दूँ क्या है, सो आगे बता दूँ क्या है, आप लोग ब्लॉग देखो और इन्जॉय करो। बाबू सुनो, चाची ने कल रात को आपको प्रॉमिस किया था, चाची ने अपना प्रॉमिस किया, बोले मम्मी कि आप बहुत गंदे हो, आपसे बात नहीं करना, मम्मी को लेकर चले जाते हो। तो मैंने बोला कल आ जाऊंगी, तो कह रहे नहीं आप नहीं आओगे, मुझे पता है। देखो भैया, अरे गल्ला में मिला था, भैया को हाफ करना। अरे एक चाची से भी हक कर लो भाई, एक थोड़ा चाची से भी हक कर लो। आ देखो अर्चना बुआ आई है, दोनों मुझे पहचान रहे हैं। ए मम्मी, ए बबलू, बबलू, ए मुकुल, मैं एक बार तो बुलाओ चलो उसके फोटो लेने। बच्चा ऐसे कर रहे, ये मेरा बच्चा है, नहीं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है, मेरा आ जा आ जा। कैसे रो रही थी मम्मी आपके लिए, जो देखा है वीडियो वो कह रहा है बाप रे। मौसी जी रो, देखो दादी के किंगन रोत रहो, हाँ दादी दादी को मिस कर रहे थे आप, अब भैया मेरा दिख गया है कहाँ। तो मेरे लिए हाँ बहन, हम तो तेरे लिए बड़ा शर्ट से ना ऑयली और बड़ा शर्ट से कपड़ा पे सिवा बेटा।
एंड यहाँ पे मैंने बताया पूजा का जो प्रसाद बनाना था वो चूरन जो पूजा में काम आने वाला है, तो मैंने यहाँ पे घी डाला और फिर आटा लेके आई थी मैं नीचे से, निमहा मतलब जो वैसा था वो सब डाल के और प्रसाद बनाया मैंने जल्दी से नहा धोवा के। बनाना बेटा अभी वो पूजा होगा ना, पूजा होगा फिर मम्मा को दे जाओ दादी को जाओ। नहीं दादी के ऐसी मम नहाने नहीं दे रही हूँ मम्मी को, नहाए नहीं खे दे धनवी, दादी नहाएगी बहनिया से इधर आओ दादी ना बहनिया से जल्दी आ जाना, बाय जल्दी आना, तब तक मैं तैयार होती हूँ। तो बेटा लेट हो जाएगा पूजा का, लेट हो जाएगा लगा के दे दो देन यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग ऊपर पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो चूरन भूज के रखा था मम्मी ने बोला कि इसमें चीनी मिक्स कर लो और चीनी मिक्स करके तब लेके चलो ऊपर, तो बस मैंने यहाँ पे गई नीचे से चीनी लेके आई। इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जा रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, थक ही जाते हैं यार ऊपर नीचे करने में ना, एक जगह वाला काम इतना नहीं पता चलता है तो ऊपर नीचे वाला काम ना ज़्यादा पता चलता है। सो मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ मेरी बेटी ऑलरेडी पहले ही पहुँच के पूजा में लगी हुई थी पूजा करने में। सो thank you.
दीदी को काम करना है। आ जाओ आप दादी। मैं आई हूँ नीचे, थोड़ा दूध गर्म करूंगी। मौसी नहा लेनी, मौसी जी हमारा नहा लेनी सिंदूर छुआली। हाँ ये खाओगे? देती हूँ। तो मैं आई हूँ नीचे थोड़ा दूध गर्म करने के लिए, धनवी को पिलाऊँ और बाबू को चाहिए था, दोनों बच्चों को दूँ, फिर ऊपर जाती हूँ पूजा में। मेरे को इतनी भूख लगी है ना सुबह, क्योंकि ब्रश व्रश करके बस मैं निकल गई थी, कुछ भी मुंह में नहीं डाला था, वरना और मुंह में कुछ नहीं डालते ना तो खराई हो जाती है मेरे को, गले में यहाँ पे दर्द होने लग जाता है, बट नहीं डाला है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा तो निकल गए। चलो कोई नहीं, वो अलग चीज़ है, अभी जल रहा है, थोड़ा सा बच्चों को खिलाए पिलाएं। क्या बेटा ये खाओगे? ये तू दे दूँ और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, आई होप। हाँ गाइज, मैं आपको बताऊँ कि आज हमारे घर पे है क्या, दे रही हूँ खाना। आज है वैभव माँ लक्ष्मी का, जो मम्मी व्रत करती थी, वो उद्यापन, उद्यापन है तो उद्यापन है तो उसी के लिए ये सारी तैयारियाँ चल रही हैं। मैं आ गई लो, मैं अपना सुबह सुबह आ गई थी दो तीन कटोरी पंचामृत दूध दही लिखे। हाँ हाँ थोड़ा सा नीचे आई हूँ, पूजा स्टार्ट हो चुकी है, पूजा चल रही है, जो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लिया जाए और अच्छे से सारी चीज़ें समझा दिया जाए। सो गाइज, आज है वैभव माँ लक्ष्मी का उद्यापन, जो मम्मी व्रत करती थी। मम्मी ने 10 व्रत
बोला था भगवान से कि मेरी ये विश है अगर पूरी हो जाएगी, जिसमें से 5 धनवी के लिए था और 5 भैया जो है मेरे जेठ उनके लिए था। तो दोनों विश मम्मी की पूरी हो गई, तो मम्मी ने 10 किया पूरा व्रत और आज है उद्यापन। तो इसीलिए मेरे को मायके से जल्दी जल्दी में आना पड़ा ससुराल, ताकि मैं पूजा में शामिल हो पाऊँ। धनवी की स्पेशल पूजा है तो धनवी को शामिल होना ज़रूरी था, तो धनवी को शामिल करा पाऊँ। सो बस मैं आ गई और ये मेरी शादी की साड़ी है जो चढ़ा हुआ होता है ना वो साड़ी। मुझे मेकअप करने का टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं किया, जैसे थी सुबह वैसे ही आ गई। और बस मुझे यहाँ पे आके नहाना वहाना था, तो बस मैंने नहा के लिपस्टिक लगा लिया और मैंने कुछ भी नहीं किया सॉरी। आई होप आप लोग आज का जो ब्लॉग है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बहुत सारे ब्लॉग्स होने वाले हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, बहुत मस्ती करने वाले हो। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ जल्दी। और अगर ऐसा लगा कि ये छोटा है तो थोड़ा आगे की और चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी। सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है ना कि पतिदेव नहीं है, और पतिदेव मतलब शाम को भी नहीं आएंगे, इसीलिए सुबह जल्दी जल्दी में वही थोड़ा सा हमने मिल लिया, ताकि मतलब ऐसे होता है ना कि हम मिल लो तो थोड़ा सा एक होता है, उनको धनवी को देखना था तो मिल नहीं देख लिया। अब धनवी मतलब मिल ली तो शाम को वो लेट आएंगे, शाम को सॉरी आएंगे ही नहीं, वो हल्द्वानी जाएंगे। अभी ऑफिस गए हैं, ऑफिस से फिर वो हल्द्वानी जाएंगे, ऑफिशियल वर्क है उनका तो हल्द्वानी जाएंगे, तो वो कल परसों तक आएंगे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मिल लेते हैं। अब मैं आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ एक दो दिन रुक के ही जाऊँ, थोड़ा सा यहाँ की और थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई वो निपटा के देन मैं मायके जाऊँ। तो जैसे भी जो भी होगा वो मैं आगे ब्लॉग में आप लोगों को अपडेट कर दूंगी कि मैं जा रही हूँ, रुक रही हूँ। और आगे अभी हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं तो वो भी आएंगे, उनसे भी मिलवाऊंगी। बिकॉज इसमें ना बहुत सारे और लेडीज़ जो मैरिड होती है, सुहागन होती है, उनको बिठा के खिलाया जाता है। सो वो चीज़ भी होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है।